शहर शहर नफरती साजिश, कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इन चार तस्वीरों को आप देखिए। कर्नाटक के दावणगेर में जहां विसर्जन जुलूस में पथराव हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ते नजर आए। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप के बाद जमकर बवाल मचा। और उत्तर प्रदेश के आपको बता दें, यहां पर भी शाहजहांपुर में जुलूस को लेकर तनाव की परिस्थिति है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से कर्नाटक तक नफरती साजिश के पत्थर। कर्नाटक के दावणगेरे में विसर्जन जुलूस पर पथराव। महाराष्ट्र के नंदुरबार में दो समुदायों में टकराव। भीलवाड़ा में देश विरोधी नारेबाजी के बाद बवाल। शाहजहांपुर में मजार गिरने पर तनाव। कहीं धार्मिक जुलूस पर पथराव, हिंसा और आगजनी, तो कहीं नफरती नारेबाजी। अब सवाल है कि शहर शहर माहौल बिगाड़ने की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? किसके आदेश पर गणपति विसर्जन जुलूस पर पत्थर फेंके गए? कौन है शहर शहर दंगाइयों का आका जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है? कर्नाटक के दावणगेरे में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे। पुलिस हिंसा रोकने पहुंची तो पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। गणेश विसर्जन का जुलूस निकाल रहे लोगों ने मांग की है कि पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हिंसा की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नंदुरबार की हैं, जहां दो समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ था। माहौल इतना बिगड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं कुछ दिनों पहले बुलढाणा में गणपति जुलूस पर छतों से पत्थर फेंके गए। सवाल है कि क्या जुलूस पर पथराव पहले से फिक्स थे? आखिर घरों में पत्थर किसने रखे? नफरती पत्थरबाजी करने वाले इन मोहरों का आका कौन है? उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में भी तनाव का माहौल है। मांडलगढ़ में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर हैं। उनका आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने देश विरोधी नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, जिसके विरोध में बाजार बंद रहे। वहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ता देख इलाके में भारी पुलिस की तैनाती की गई है। यूपी के शाहजहांपुर में दो समुदायों के बीच तनाव बना हुआ है, क्योंकि यहां भीड़ ने एक मजार को तोड़ दिया। दावा किया जा रहा है कि हिंदू धर्म स्थल पर यह मजार बनी हुई थी। भीड़ ने मजार को तोड़कर वहां शिवलिंग की स्थापना कर दी। एक विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसके संबंध में काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के वहां पहुंच गए। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी सिंधौली तथा अन्य पुलिस फोर्स पहुंच के SDM कुमाया तथा CO कुमाया द्वारा भीड़ को समझा बुझा कर वापस कर दिया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। जो भी प्रकरण में लापरवाही पाई जाती है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला भले ही शांत करवा दिया, लेकिन पूरे इलाके में तनाव बरकरार है। ऐसा नहीं है कि ये तनाव की स्थिति पहली बार हुई हो।
कई साल पहले भी दोनों पक्षों में तनातनी हो गई थी। हिंसा, बवाल, नफरती नारेबाजी और तनाव के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहर शहर माहौल बिगाड़ने का ऑर्डर कौन दे रहा है, क्योंकि धार्मिक जुलूस को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ये देश में दंगा भड़काने की बहुत बड़ी साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।